Welcome to Fakutsoft. Our aim is to spread knowledge and make people more aware. हमने अभी तक ये देखा है कि हमारे पास जो क्लासिफायर मौजूद है वो क्या करता है कि वो ट्रेनिंग डाटा लेता है, उसके ऊपर हमारा क्लासिफायर लगाता है, स्कोर्स आते हैं, स्कोर्स के अगेंस्ट हम प्रॉपर्टीज निकालते हैं, प्रॉपर्टीज को हम वन हॉट इनकोडिंग में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम उसकी एंट्रोपी फाइंड आउट करते हैं। इस एंट्रोपी के लिए जो वर्ड है जो स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर वो क्रॉस एंट्रोपी किया जाता है। वाई क्रॉस एंट्रोपी किया जाता है? क्योंकि ये दो हमारे पास जो लेबल्स हैं, एक्चुअल लेबल्स और जो हमारे पास क्लासिफिकेशन के लेबल्स हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस को मेजर कर रही होती है। अब क्या ये इतनी स्ट्रेट अवे या इसमें होता क्या? इसको देखने के लिए हम देखते हैं जो हमारा एक पैरामीटर था जिसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया था ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ पर मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन करूँगा कि ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत क्या है या किस वजह से ये ऑप्टिमाइजेशन का जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट अगेन। अब बेसिकली हमने किया क्या था, हमारे पास था डिस्टेंस और डिस्टेंस हमारे पास क्या था, सॉफ्टनेक फंक्शन था एक जिसको हम कहते हैं ये डब्ल्यू एक्स प्लस बी था और फिर ये डिस्टेंस है ये बिटवीन दिस फंक्शन कॉमा एल। एल है हमारे पास वन हॉट एनकोडिंग के लेबल्स। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये मैंने जो फार्मूला लिखा है ये बेसिकली एंट्रोपी का फार्मूला है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं बिटवीन आवर सॉफ्टमैक्स फंक्शन या सॉफ्टमैक्स के फंक्शन के जो स्कोर्स हैं उनमें और ये बिटवीन हमारे वन हॉट एंड कोऑर्डिनेट के लेबल्स में। अब होता क्या है, हमारे पास हमारी ख्वाहिश क्या है, हमारी ख्वाहिश ये है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है अगर वो हमारा सॉफ्टमैक्स फंक्शन का स्कोर ए है और उसका एक्चुअल लेबल है ए तो ये स्कोर बहुत ज़्यादा कम हो, बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो और अगर ये डिस्टेंस इस तरह डी, ये ए और इसका लेबल है बी तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो, ये बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस हो, तो ये हमारी ख्वाहिश है। अब इस चीज़ को मेजर करने के लिए या इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो फिनोमिना है या जो टर्म यूज होती है उसे कहते हैं लॉस फंक्शन। अब ये लॉस फंक्शन इटसेल्फ क्या है, अगर मैं पहले इसका लॉस फंक्शन का फार्मूला लिखना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा वन बाय एन फॉर ऑल डेटा पॉइंट्स हमारे जो लेबल्स हैं और वो कैसे डी अगेन यहाँ पे हमारे पास, फिर हमारे पास एस डब्ल्यू एक्स आई प्लस बी और कॉमा एल आई। अब ये स्टेट अवे, इससे मुराद हमारे पास क्या है, इससे मुराद ये है कि हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं या जो इनपुट पॉइंट्स हैं जैसे लेट्स से हम कहते हैं ए बी सी डी ई एफ जो भी हमारे पास ट्रेनिंग डेटा पड़ा हुआ है, उस ट्रेनिंग डेटा के लिए हर इंडिविजुअल पॉइंट के लिए आप लॉस को या एंट्रोपी को मेजर करो और फिर उसका सम लो और फिर उसे नॉर्मलाइज कर दो। मेक सेंस? यानी कि आप क्या कर रहे हो, लेट से पहले आपने इसको फर्स्ट टाइम चलाया ए के लिए, फिर सेकंड टाइम चलाया बी के लिए, फिर सी के लिए एंड सो ऑन, और जो स्कोर्स आ रहे हैं सबके उन सबको आपने क्या किया, सम अप किया और फिर नॉर्मलाइज कर दिया वन बाय एन, यानी टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस से डिवाइड कर दिया। तो ये जो चीज़ हमारे पास आएगी ये हमारे पास एक नॉर्मलाइज्ड या टोटल लॉस होगा हमारे एल्गोरिदम का या हमारे क्लासीफायर का। और हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा टोटल लॉस है ये वाला इट शुड बी मिनिमम। जब ये मिनिमम होगा तो हम कहेंगे कि हमने बेस्ट रिजल्ट्स अचीव कर लिए हैं फॉर आवर क्लासीफायर। तो ये हमारा बेसिक सा आइडिया। अब क्वेश्चन ये है कि इस लॉस को मिनिमाइज कैसे किया जाए, कैसे इस लॉस को सच्चे मिनिमम रखा जाए। इसके लिए जो टेक्निक्स हैं वो टेक्निक्स कहलाते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। अभी हम वो देखते हैं कि व्हाट आर दोज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स और उनमें कौन सी फेमस टेक्निक है। जब हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो हमारा प्रॉब्लम क्या है और हम करना क्या चाह रहे हैं। प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमने जो एंट्रोपी की मदद से लॉस फंक्शन निकाला था इट इज़ वेरी वेरी ह्यूज मैट्रिक्स। ह्यूज मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि हम कर क्या रहे थे कि जो लॉस फंक्शन था उसमें दो चीज़ें थी, एक हमारे पास वेट्स थे और एक हमारे पास बायसेस थे और हम डिस्टेंस मेजर कर रहे थे हमारे क्लासिफिकेशन के लेवल में और एक्चुअल लेवल में और फिर इस डिस्टेंस को हम मल्टीपल टाइम्स चला रहे थे जितना हमारे पास डेटा पॉइंट्स मौजूद थे और उन सब के एंड में हम सम ले रहे थे और फिर से नॉर्मलाइज कर रहे थे। इसके लिए जो हमने टर्म यूज की थी वो टर्म थी हमारे पास एवरेज क्रॉस एंट्रोपी। अभी जो एवरेज क्रॉस एंट्रोपी थी इसकी अगर मैं डायग्रामेटिकली शो करने की कोशिश करूं तो जो हमारे पास लॉस कुछ बनेगा, लेट्स से मैं अगर कहता हूं मेरे पास दो वेट्स हैं, वेट वन है और वेट टू है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह के सर्कल्स बनेंगे और इन सर्कल्स की क्या फिनोमेना होगा कि जो लॉस यहां पर है ये बहुत ज्यादा बिग है या ह्यूज है या बड़ा है
और यहाँ पे जो ये वाला जो सर्कल है या ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो स्मॉल है। इससे मुराद मैं कह लेना क्यों स्मॉल है, क्योंकि हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं बिटवीन आवर एस वेक्टर एंड आवर एल वेक्टर। तो ये जैसे जैसे हम सेंटर में यहाँ पे मौजूद होंगे ये स्मॉल वैल्यूज होंगी, लॉस की वैल्यूज कम होंगी, और यही हम चाह रहे हैं कि जो हमारा लॉस है बेसिकली ये मिनिमाइज हो, मिनिमम हो, सबसे कम लॉस हमारे जिस पॉइंट पे हो, जितना कम होगा उतना हमारा क्लासिफायर बेहतर परफॉर्म कर रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमने क्या किया, दो वेट्स नहीं है, वेट वन और वेट टू, और हम ये कह रहे हैं कि यार ये जैसे जैसे ये आउटर बाउंड्री जो है यहाँ पे हमारा जो लार्ज लार्ज बेसिकली लॉस है और यहाँ पे जो हमारे पास मिनिमम या स्मॉल लॉस है इसकी तरफ हमने मूव करना। इसका जो एक बहुत ज़्यादा फेमस तरीका है उसको कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट, ग्रेडियंट डिसेंट। इससे मुराद क्या है कि लेट से अगर आप इस जगह पे हो और आप यहाँ पे मूव करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, आप इसके ग्रेडियंट का जो फ्लो है उसे फॉलो करोगे। इससे मुराद क्या है कि आप यहाँ पे हो तो आप यहाँ पर आ जाते हो, यहाँ पे हैं तो यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ पर है और फिर यहाँ से आप यहाँ आ गए। ये है ग्रेडियंट डिसेंट का फार्मूला या ग्रेडियंट डिसेंट का तरीका कि सिंपल आपने क्या करना है कि इस पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करना है जहाँ पे ग्रेडियंट की जो वैल्यू है वो मिनिमम हो। तो इस तरह मूव करते करते आप हमारे स्मॉलेस्ट पार्ट पे आ जाएंगे या स्मॉल लॉस वाले फंक्शन या वैल्यू के ऊपर आ जाएंगे। इसका जो फार्मूला लिखा जाता है वो कुछ इस तरह से है, जिसके अंदर एक अल्फा है हमारे पास कंट्रोलिंग पैरामीटर, और फिर आप क्या चाहते हो कि जो डिस्टेंस है हमारे पास उन दोनों के दरमियान, जैसे ये एल है और ये वेट वन है और ये वेट टू है, तो आप क्या करते हो कि आपने ये मूव करना है कि हमारे पास हमने डेरिवेटिव लेते जाना है। डेरिवेटिव किसका लेना है, जो दो हमारे पास पॉइंट्स हैं डेरिवेटिव, क्योंकि दो फंक्शन के दरमियान डिस्टेंस होता है, आपने डेरिवेटिव लेना है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स और फिर उनकी मिनिमम की तरफ मूव करते जाना है। तो ये है हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट का बेसिक सा स्ट्रक्चर।